हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी और आप सभी मेरे वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने हाथों में लगाया है थोड़ा सा सरसों का तेल और मैंने इसको छोटे छोटे पीसों में कट लिया है और अच्छे से धो भी लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है बड़े साइज का 4 प्याज और मैंने उन प्याजों को अच्छे से बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। अभी मैं पहले कटहल को एक सीटी लगाऊंगी। सीटी लगाने के लिए मैंने लिया है पानी और उसके साथ मिलाया है हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैंने इसलिए पानी में मसाला डाला है कि कटहल के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। तो अभी मैंने फाइनली कटहल को डाल दिया है और सीटी लगा रही हूँ मैं भी। और उसके लिए मैंने रेडी किया है लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज तो कटा हुआ ही है पहले से। भी आ गया है मेरा एक सीटी। अब मैं गैस को बंद करूंगी। गैस ऑफ करने के बाद मैं कुकर के अंदर से जितना हवा था सब अच्छे से निकाल। मैंने लिया है 2 बड़े बड़े टमाटर, उसको भी मैं स्लाइसेस में कट कर लूंगी। सो गाइस, मैंने ना कटहल का सब्जी 3-4 बार बनाया था लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हाथ की सब्जी मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट उतना मैं ला नहीं पाती हूँ। सो इसलिए मैं अलग सा तरीका ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो बना चुकी दूसरे तरीक़ों से, आज क्यों ना मैं अलग सा तरीका ट्राई कर लूँ। एक तरफ से देखा जाए तो कटहल मेरा फेवरेट सब्जी है। मेरा कटहल लगभग 70% तक तो पक गया है। अभी मैं इसका सारा पानी निचोड़ लूँगी और एक बाउल में रखूँगी। इधर मैं कटहल की सब्जी बनाने में बिजी हूँ और उधर बेबी चिल्ला चिल्ला के मेरी कान फाड़ रही है। मैंने अच्छे से पानी निकाल दिया है, निचोड़ दिया है इसका पानी। और इधर है इसका पानी, मैं इसको ग्रेवी में यूज़ करूँगी। इस तो मेरा कुकर अभी गर्म हो गया है। मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, बस इतना ही डालूँगी। इधर कटहल को निकाल लिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी तेल। कटहल को मैं तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखो मेरा कटहल अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं उसको उतारूंगी। उसके बाद मैं मसाला भूनूंगी। डाल रही हूँ मेथी, जीरा, तेज पत्ता। उसके बाद डालूंगी चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। उसके साथ मैं प्याज को भी डाल दूंगी। प्याज को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। ज़्यादा अगर मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया तो प्याज मेल्ट अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो मैं प्याज को हाफ फ्राई करूँगी। मेरा प्याज लगभग फ्राई हो गया है, इसमें मैं डालूँगी टमाटर और इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और मिर्ची, इसे फ्राई करूँगी। तो प्याज और टमाटो फ्राई लगभग हो चुका है। अभी मैं यूज़ करूँगी बॉयल वाटर जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था, तो मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी, आधा ही यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसको और एक बार सीटी लगाऊँगी। सो गाइस, सीटी लगने के बाद मेरा मसाला कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, उसके साथ जीरा, धनिया पाउडर, साथ साथ में कुछ लाल मिर्च और हरी मिर्च, दोनों ही मिर्च यूज़ करूँगी इसमें। अब मैं इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी जैसे पूरा का पूरा पेस्ट बन जाए। सो गाइस, अभी देखो पूरा ये पेस्ट बन गया है। अभी मैं इसमें डालूँगी कटहल की सब्जी जो मैंने फ्राई करके रखा था वो, और उसके साथ डालूँगी थोड़ा पानी। मैंने नमक भी डाला था और वो वीडियो में थोड़ा स्किप हो गया। अब मैं इन सारे चीज़ों को एक सीटी लगा दूँगी और सीटी लगाने के बाद मेरा कटहल की सब्जी एकदम रेडी है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी। गाइस, मुझे तो देखते ही बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और मिलती हूँ दूसरे और एक वीडियो लेके, तब तक गुड नाइट।